पिछले दो तीन साल अंदर पूरी दुनिया अंदर करोना जी भयानक बीमारी ने अपने पैर पसार ले हन। इस बीमारी तो लोगों को बचाने लई अलग अलग देशों दी सरकारां वालों अलग अलग प्रबंध किए जा रहे हैं। इस तरह पंजाब सरकार ने भारत सरकार के सहयोग नाल पंजाबियों नूं करोना तो बचाने लई करोना वैक्सीन की मुहिम शुरू की गई सी, जिस तहत पहली खुराक अते दूजी खुराक लाई गई है अते हुण तीजी बूस्टर खुराक भी ला जा रही है, जिस तों बाद कई लोग इस खुराक नूं नहीं लगा रहे अते उन्हां नूं खुराक तो जानू कराने लई सरकारी हस्पताल विच सिविल सर्जन फाजिलका वालों एक आटोमोबाइल वैन शुरू की गई है, जो अलग अलग महल्लों में जाके अलग अलग एरिए जाके करोना के संबंध में लोगों को जागरूक करेगी और करोना वैक्सीन लगाने लई आह्वान किया जाएगा। इस मौके बोलते हुए सिविल सर्जन फाजिलका ने की कुछ कहा, सब कुछ जानने लई साडे नाल बने रहो जी। सर हाँ जी, अज असी एक ई रिक्शा साठ एन जी ओ है उन्होंने नाल सारे अड अड एरिए फ्लैग ऑफ किया। इहदा मेन मकसद है भी वैक्सीनेशन जो अपनी सैकेंड डोज भी तो फस्ट डोज भी अपनी कुछ पई है तकरीबन 90% लोग लगी है, वह भी आप तकरीबन जो 100% का टीचा सरकार ने कहा सारा पूरा करो। ये बीमारी जी अगली ज कई बड़े शहरों चुन दुबारे फिर केस बदन लग गए, सो इस बचन का एक ही तरीका है। लोगों को बार बार अवेयर करने कैंपा च भी आपकी पहली डोज भी लो जिन्हें नहीं लवाई, जिन्होंने दूजी डोज भी कतारे दूजी डोज भी लो। सो यही मैसेज नाल असी तो प्रैगनेंट लेडीज़ वास्ते भी सेफ है, हर किसी तरह की कोई यह बीमारी है जो कोई यह जी है तो आपके डॉक्टर नाल रह करके वो सब की वैक्सीन लग सकती है। सो एक उन्होंने बड़ा चंगा उपराला है जिस सूँ सहायता है पहला भी कर रहे हैं एज ए वॉलंटियर सूँ दिते हुए ने घरों घर जाके भी जो नहीं लगाने उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस तरह असी होर जे एरिए साढ़े अनकवर्ड रह गए ने सैकेंड डोज कवरेज भी वधानी है तो फस्ट डोज भी प्लस जी सा 15 to 17 तो 12 to 14 जो बच्चों के असी उन्होंने भी वैक्सीन जिनी मैक्सीम ला सकी कि जो कि वेव आए तो जो बीमारी आए तो पेशेंट को यह जी लोड़ ना पवे भी वह हस्पताल दाखिल हो। सर जिवें चंडीगढ़ प्रशासन ने कल बीते दिन कुछ पाबंदियां चंडीगढ़ दे विच लगाईयां गईयां ने कोरोना नूं देखदे हुए कि फाजिलका डिस्ट्रिक्ट दे विच भी कुछ पाबंदियां लगाईयां जाणगीयां? इसकी डिस्ट्रिक्ट लैवल ते नीतरी उन्होंने डीएम साहब आपका डिसीजन लै सकते हैं जां स्टेट तो ही गाइडलाइनस आउंदियां जिस तरह के केस वधदे ने उस तरह दियां जिवें भी कोई गाइडलाइनस आउणगियां उवें तुहानूं उस बारे असीं डोज लगवाओ ते नाल आपकी जी दूजी डोज ड्यू हो गई है वह भी आपकी दूजी डोज जरूर लगवाओ। ठीक है सर। एबीएन न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज़ चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।